हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर मुकुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉक्टर मुकुल मेडी एकेडमी। फ्रेंड्स, हमने अपनी लोअर लिम मसल्स एनाटॉमी सीरीज में लास्ट वीडियो से हमने लोअर लेग मसल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है। लोअर लेग मसल्स एनाटॉमी हमने अपनी लास्ट वीडियो से स्टार्ट की है और इससे पहले हम ग्लूटियल रीजन और थाई रीजन को कम्प्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उसको कम्प्लीट नहीं किया है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसकी सारी वीडियोज उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वहां से उनको कम्प्लीट कर लीजिए। और लास्ट वीडियो जो हमने स्टार्ट की है हमारी लोअर लेग की मसल्स, उस वीडियो में हमने मसल्स को भी समझा और ये भी समझा कि हम लोअर लेग को किस तरह से पढ़ेंगे। लोअर लेग्स के जो कंपार्टमेंट हैं उन कंपार्टमेंट के बारे में समझा और उसी वीडियो से हमने स्टार्ट की अपनी पहली मसल्स टिबियालिस एंटीरियर। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, एक और मसल्स एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल्स के बारे में हम आज इस वीडियो से पढ़ेंगे। कौन सी? एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल्स के बारे में। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं इस मसल्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई और साथ ही साथ इसकी अप्लाइड कंडीशन। अप्लाइड कंडीशन क्या होंगी, जहां होता है इस मसल्स का इन्वॉल्वमेंट, वो सारी कंडीशन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपके लोअर लेग के एंटीरियर कंपार्टमेंट की पहली मसल्स टिबियालिस एंटीरियर के बारे में पढ़ा था, आज उसी तरह से इस मसल्स के बारे में जानेंगे और ये मसल्स है आपकी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। देखिए, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जो नाम है इसका, मैंने पहले भी आपको बहुत सारी वीडियो में ये बात बताई है कि मसल्स का नाम ही उसके बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो में टिबियालिस एंटीरियर पढ़ी थी, तो टिबियालिस एंटीरियर का नाम उसकी लोकेशन से रिलेटेड था क्योंकि टिबिया से ओरिजिनेट हो रही थी और एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स थी, तो टिबियालिस एंटीरियर का नाम उसकी लोकेशन के ऊपर बेस्ड था। इसी तरह से एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल में, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल से हम क्या समझ रहे हैं, एक्सटेंसर मतलब एक्सटेंशन की मसल है, डिजिटोरम यानी डिजिट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और लॉन्गस मीन्स लॉन्ग मसल है। तो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस यानी आपके एक्सटेंशन की डिजिट से कनेक्टेड या रिलेटेड मसल जो कि एक लॉन्ग मसल है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। तो इसका नाम इसके फंक्शन से रिलेटेड है, फंक्शन पे बेस्ड है, एक्सटेंशन की मसल है, ठीक है। और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, क्योंकि एंटीरियर कंपार्टमेंट को हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी मानते हैं आपके लोअर लेग में, तो ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की यानी एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है। कौन सी? एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। देखिए, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एक यूनिपेनेट मसल है, ठीक है। कैसी हुई? एक यूनिपेनेट मसल हुई और ये आपके लोअर लेग के एंटीरियर कंपार्टमेंट की मोस्ट लेटरल मसल है। कौन सी? एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। और ये टिबियालिस एंटीरियर के साथ, जैसे टिबियालिस एंटीरियर आपके डॉर्सिफ्लेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, तो ये भी टिबियालिस एंटीरियर के साथ, कौन सी? एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और टिबियालिस एंटीरियर के साथ मिलकर ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसमें? आपके डॉर्सी फ्लेक्शन में। क्लियर है? क्या है? इसका नाम इसके फंक्शन पे बेस्ड है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस यानी एक एक्सटेंशन की मसल है, एक्सटेंशन करेगी, डिजिट से कनेक्टेड है और एक लॉन्ग मसल है, लॉन्गस है, ठीक है। दूसरा, एक ये यूनिपिनेट मसल है। तीसरा, ये एक मोस्ट लेटरल मसल है आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लोअर लेग की और साथ के साथ ये टिबियालिस एंटीरियर के साथ मिलकर डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन सी? आपकी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। तो चलिए जान लेते हैं अब इसका ओरिजिन और इंसर्शन भी। तो हमारी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल्स का ओरिजिन होता है मीडियल सरफेस ऑफ फिबुला से, प्रॉक्सिमल हाफ मीडियल सरफेस ऑफ फिबुला से और आपके लेटरल टिबियल कॉन्डाइल से और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से ये ओरिजिनेट होगी। अब जान लेते हैं इसके इंसर्शन के बारे में। तो इसका इंसर्शन होता है आपके डिजिट सेकंड टू फिफ्थ तक के आपके डिस्टल और मिडिल फलेंजेस पे, ठीक है। क्या हुआ, कहां से ओरिजिनेट हुई? ये ओरिजिनेट हुई आपके मीडियल सरफेस ऑफ फिबुला के, कहां? प्रॉक्सिमल हाफ से, आपके इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से और आपके लेटरल टिबियल कॉन्डाइल से ये ओरिजिनेट होगी। और इंसर्ट कहां पे होगी? इंसर्ट होगी ये आकर आपके डिजिट सेकंड से लेकर फिफ्थ तक की डिस्टल और मीडियल फलेंजेस पे। क्लियर है? तो चलिए अब बात जान लेते हैं इसके एक्शन के बारे में।
तो आपका एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस आपके इंटरफेरेंजियल जॉइंट और मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट के क्या करेगी, टो का एक्सटेंशन करेगी, साथ के साथ आपके फुट का डॉर्सिफ्लेक्शन करेगी और फुट का इन्वर्जन करेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं इसकी नर्व सप्लाई और इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। तो हमारी एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस की नर्व सप्लाई होती है डीप फिबुलर नर्व L5-S1 और इसकी ब्लड सप्लाई होगी आपकी एंटीरियर टिबियल आर्टरी। चलिए तो जान लेते हैं अब इसकी अप्लाइड कंडीशंस के बारे में भी। अप्लाइड कंडीशन यानी वो कंडीशन जहां पर होता है इस मसल्स का इन्वॉल्वमेंट। तो एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस का इन्वॉल्वमेंट कहाँ होता है? इसका इन्वॉल्वमेंट होता है आपके शिन स्प्लिंट में। कुछ याद आया? हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी टिबियालिस एंटीरियर को जब पढ़ा था उसमें भी हमने आपको शिन स्प्लिंट के बारे में बताया था उसकी अप्लाइड कंडीशंस में। तो टिबियालिस एंटीरियर के साथ साथ आपके एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है शिन स्प्लिंट में। शिन स्प्लिंट क्या? आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट जो होता है लेग का, उसमें पेन आता है टिबिया के पास, वहां पे जो जिनको ये तकलीफ है शिन स्प्लिंट की वो शिकायत करते हैं पेन की, सूजन की, इन्फ्लामेशन की, और ये होता है आपकी ओवर यूज एक्टिविटीज की वजह से। और बहुत सारी कंडीशन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो मैं यहाँ सिर्फ आपको आउटलाइन दे रहा हूँ। तो इसका होता है इन्वॉल्वमेंट किसका? आपका एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस का। इसके अलावा और कौन सी कंडीशन है जहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट होता है? तो इसका इन्वॉल्वमेंट होता है आपके स्ट्रेस फ्रैक्चर में। स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या है? रिपीटेटिव स्ट्रेस जहां बराबर आ रहा है टिबिया बोन पर, आप जंपिंग में, रनिंग में, आप कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ ऐसी मूवमेंट जो बराबर आप करे जा रहे हैं, ओवर यूज हो रहा है, एक स्ट्रेस आ रहा है, उसकी वजह से जब टिबिया में फ्रैक्चर होता है तो वहां पर भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है किसका? हमारे एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस का। इसके अलावा आपके कंपार्टमेंट सिंड्रोम में भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा, हर चीज़ क्लियर होगी। अगर इसके बाद भी कोई अगर आपको डाउट है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और ये बात मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इसलिए आप जब चाहें मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। और अगर चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और हमारे इस वीडियोस को शेयर करिए जिससे उन लोगों तक इन वीडियो को पहुंचाइए जो इस मसल्स के बारे में जानना चाहते हैं, सीखने चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलता हूं आपको एक और नई मसल्स के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।